हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन फॉर फूडीज। आज हम बनाएंगे बालूशाही। राखी आ रही है तो घर पर मिठाई बनाना तो बनता है, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी। हम थोड़ी सी बातों का ध्यान रखकर घर पर बहुत ही अच्छी बालूशाही बना सकते हैं। इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया है। अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे मिठाई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 कप घी, और फिर हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहो तो बालूशाही को तेल में भी फ्राई कर सकते हो, पर अभी इस टाइम पर हमें इसमें घी ही ऐड करना है, जिससे हमारी बालूशाही का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये डो रोटी जैसा चिकना नहीं बनाना है, हम इसे ऐसे ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि जो हमारा आटा है वो कहीं से भी बिल्कुल सूखा ना रहे। हम इसे हाथों की मदद से, हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे, हमें इसे गूंथना नहीं है। और ये हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, और तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। बालूशाही की शुगर सिरप बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है और मेजरमेंट भी बहुत ही इजी है। हमने यहाँ पर 2 कप चीनी और 1 कप पानी लिया है, और फिर इसे उबलने के लिए रख देंगे। हमें बालूशाही की चाशनी 1 तार की भी नहीं बनानी है, 1 तार से थोड़ी सी कम बनाएंगे, एक अच्छी सी चिपचिपी हो जाए। तब तक हम इसे गैस पर ही रखेंगे। उबाल आने के बाद मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर और केसर डाला है। अगर आप केसर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। हमें उबाल आने के बाद एकदम स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाना है। और चाशनी बनने के बाद इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे हमारी चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। हमारी ये चाशनी है, उसमें हमने 1/2 तार जितनी चाशनी बनाई है, और ये आटा भी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आटे को तोड़ेंगे और उसके ऊपर वापस रखेंगे। इसी तरह से हमें 10 से 15 बार करना है, जिससे ये हमारे आटे में बहुत अच्छे लेयर बन जाएंगे और हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छी लेयर वाली बनेगी। अब हम थोड़ा थोड़ा सा आटा लेंगे और अच्छे से राउंड बना लेंगे। हमें इसे बहुत स्मूथ नहीं करना है, थोड़ा सा स्मूथ करेंगे और एक बालूशाही का शेप दे देंगे, और फिर रोटी रोलर की मदद से इसमें छेद कर लेंगे। हमें छेद ऐसा करना है कि वो हमारा जो रोलर है वो आर पार हो जाए, और सारी बालूशाही ऐसे ही बना लेंगे। थोड़ा सा हाथों में आटा लेंगे, उसको अच्छे से रोल करेंगे और बीच में छेद बना लेंगे। हमें छेद बहुत छोटा भी नहीं रखना है, नहीं तो हमारी बालूशाही में ये जो शुगर सिरप है एकदम अंदर तक नहीं जाएगी, हमारी बालूशाही रसीली नहीं बनेगी। ये ऐसे ही हम सारी बालूशाही बना लेंगे, और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने बालूशाही फ्राई करने के लिए घी लिया है, अगर आप ऑयल लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और ये बात का ध्यान रखें कि बालूशाही हम फ्राई करने वाले हैं, वो घी या ऑयल ज्यादा तेज गरम ना हो, हल्की आंच पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप गैस की फ्लेम फास्ट रखोगे तो बालूशाही ऊपर से बहुत फटाफट से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। आप देख सकते हो बालूशाही में बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं, इससे हमारी बालूशाही बहुत अच्छी चाशनी उसके अंदर तक जाएगी। ये हमारी बालूशाही फ्राई होके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो हमें सेम ऐसा ही कलर चाहिए। अब हम डायरेक्ट चाशनी में ही इसको रख देंगे। अगर ये शुगर सिरप है आपका ठंडा हो गया है तो आप इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। हमें शुगर सिरप इतना गर्म करना है कि हम इसमें उंगली रख सके,
और 3 मिनट के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। पहले हमें 3 मिनट रखनी है, उसके बाद उसे फ्लिप करेंगे और वापस से 3 मिनट अंदर ही रहने देंगे और ये हमारी बालूशाही रेडी हो गई। बहुत ही इजी रेसिपी है और एकदम आप फटाफट से बना सकते हो, तो इस राखी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप गार्निश करना चाहो तो आपके चॉइस के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पिस्ता लिए हैं और थोड़ी थोड़ी सी ऊपर रख देंगे और ये हमारी बालूशाही रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मैं आपको एक बालूशाही तोड़कर दिखाती हूँ। हमारी बालूशाही पूरी अंदर तक बहुत ही अच्छे से चाशनी अंदर गई है ये शुगर सिरप से, इससे हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।